तो आज की हमारी इस क्लास में हम बातचीत कर रहे हैं आपके साथ डेटा मेनू बार पे, और हम बात स्टार्ट करेंगे आज की क्लासेस को हम एडवांस फिल्टर से। जी हाँ, एडवांस फिल्टर। तो आपको याद होगा कि आपने डेटाबेस लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूले को पढ़ा था, सेम उसी तरीके से हमारे पास जो है एडवांस फिल्टर होता है। एडवांस फिल्टर का काम क्या होता है, चलिए मैं एक छोटा डेटा जो है लिया हूँ, बड़ा डेटा नहीं किया हूँ ताकि मैं यही भी इफेक्ट दिखा सकूँ आपको। जैसे मुझे मान लीजिए कि एफिलिएट मार्केटिंग चाहिए, कस्टमर चाहिए, रेफरेंसेस चाहिए, तीन मुझे चाहिए सेल्स मोड से, ठीक है। और इसमें हमने बोला कि जो हमारा रेफरेंसेज है इसमें जो नाम है वो पूजा होना चाहिए सर, राइट। और इसकी जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 50 होनी चाहिए। साइट मुझे नहीं चाहिए सारा साइट, इसका मंथ जो है ये अप्रैल होना चाहिए। और इसमें एक चीज और मैं करना चाहता हूँ, साइट ही जोड़ लेता हूँ यहाँ पे, साइट साइट में मुझे एक चाहिए आईपीटी इंडिया, जिसका क्वांटिटी लेस देन 30 होना चाहिए। अब आपको इसका डेटा मुझे करना है, तो आप नॉर्मल फिल्टर लगाएंगे तो आपको 4-5 बार फिल्टर करना पड़ जाएगा। सो नॉर्मल फिल्टर मैं नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं फिल्टर एक बार में लगाना। तो इस केस में हम यूज करेंगे एडवांस फिल्टर। डेटा मेनू बार में जाता हूं और यहां मैं एडवांस फिल्टर पे क्लिक करता हूं, यहां पे, और यहां पे मैंने क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लिया एंड ओके। तो इस कंडीशन के बिहाफ पे देखिए डेटा फिल्टर हो गया, लेकिन मुझे डेटा फिल्टर नहीं करना है, डेटा को कॉपी करना है एक डिफरेंट लोकेशन पे। तो मैं यहां एडवांस फिल्टर पे यहां कॉपी टू अनदर लोकेशंस और इसको सिलेक्ट करके मैंने यहां पे क्लिक कर दिया, लेकिन सेम सीट पे, किसी अलग सीट पे, किसी अनदर शीट पे जाएंगे तो मुश्किल होगा, इसलिए सेम सीट पे आपको जाना पड़ेगा तो आपके सामने आएगा। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि बहुत सारे डुप्लीकेट है, आप चाहते कि नहीं नहीं यूनिक, मेरे पास जो भी यूनिक रिकॉर्ड आना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं आना चाहिए। तो एडवांस फिल्टर में यहां यूनिक रिकॉर्ड ओनली पे क्लिक कीजिए, कॉपी टू अनदर लोकेशंस एंड ओके। अब इसमें जो है डुप्लीकेट को डिलीट कर दिया गया, डुप्लीकेट इन सेंस कि पूरा का पूरा हमारा डुप्लीकेट हो। इसका यूज कभी कभी हम ऐसे भी करते हैं, जैसे मुझे इसमें से सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड निकालने हैं तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, यूनिक रिकॉर्ड ओनली, क्राइटेरिया वगैरह हटा देता हूं, यहां भी हम सिर्फ इसी को सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए आ गया यूनिक रिकॉर्ड्स। तो एडवांस फिल्टर का यूज हम इस चीज के लिए करते हैं। एडवांस फिल्टर के बाद बात आती है टेक्स्ट टू कॉलन की, जहां तक मुझे अनुमान है कि टेक्स्ट टू कॉलन आप लोगों को आता होगा। सर ये एडवांस फिल्टर में ना, हेलो सर, एडवांस फिल्टर में हम जो क्राइटेरिया लिखते हैं वो जो भी हमारा कॉलम हेडिंग है उसके नीचे लिखते हैं, अगर उसको उसकी मान लीजिए लेफ्ट या राइट साइड में लिखा गया तब तो काम करता है कि नहीं करता है? देखिए सिंपल सी बात समझिए कि आप जो है यहाँ आपका डेटा होगा, एक क्राइटेरिया, ये जो क्राइटेरिया है कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि इसी सीट पे हो और डेटा के लेफ्ट साइड में हो, ट्रांसपोज कर दें और उसके राइट साइड में टॉप टू बॉटम चाहिए तब नहीं होगा। और एक चीज और मुझे समस्या थी, मान लीजिए इसी हम जो ये कर रहे हैं एडवांस फिल्टर, इसको आप दूसरी शीट से स्टार्ट करिएगा लगाना, एक मिनट क्या काम करता है तभी दूसरी शीट में? दूसरी शीट पे नहीं होगा, मैंने पहले बताया कि सेम सीट पे। नहीं सर, दूसरी शीट आपको मेरी आवाज आ रही सुनिए जी?
सर आ रही है सर, नमस्ते सर। हाँ सुजीत जी, ये दूसरी शीट पे काम कर जाता है, मैंने इसका एक बार यूटिलिटी बनाई हुई है। आप नहीं समझे, देखिए यहाँ पे आपने लिया, मैं डेटा लेता हूँ को यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज गया, दूसरी शीट पे क्राइटेरिया को लिया हमने, राइट सर। यहाँ आप ओके करेंगे तो ये फिल्टर तो हो गया, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ डेटा ले जाने की। हाँ, मैं तो डेटा मैं यहाँ नहीं ले जाना चाहता हूँ। हाँ, मैं डेटा दूसरे शीट पे चाहता हूँ, दूसरी शीट, ठीक है। तो यहाँ मैं आता हूँ और क्राइटेरिया में गया, दूसरे शीट पे क्राइटेरिया को लिया और कॉपी टू अनदर लोकेशंस, और कॉपी को भी हम दूसरे शीट पे लेते हैं, इस शीट पे नहीं, दूसरे शीट पे कॉपी चाहिए, यहाँ चाहिए, एंड नहीं 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 सर, सुजीत जी हो जाता है, इसमें शायद हमें दूसरी शीट पे स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं कुछ क्लिक करके रखना पड़ता है, कुछ ऐसा है इसमें, एक ट्रिक है, और ये मैंने क्योंकि करके देखा है इसलिए मैं कंफर्म हूं कि हो जाएगा। नहीं समझ गए, जैसे कि रूल ये कहता है कि आप क्राइटेरिया कहीं भी रखे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ नहीं नहीं नहीं, इसमें इसमें ना सर, ये जो क्राइटेरिया आपका है, एक बार इसको दूसरी शीट पे सेलेक्ट करिएगा, दूसरी शीट पे तो है सर। हाँ सर, इसको सेलेक्ट करिए, एक बार सेलेक्ट करिएगा, एक बार इसको क्राइटेरिया, कंप्लीट क्राइटेरिया को। अब आप एडवांस फिल्टर लगाइएगा, अब यहीं यहीं से शुरू करिएगा एडवांस फिल्टर। अब आप डिफाइन, अब डिफाइन कर दीजिए जो भी चीजें हैं, अब यहां से मुझे रेंज को अलग करना होगा। हाँ, रेंज डिफाइन कर दीजिए कंप्लीट। नहीं ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, लिस्ट रेंज में गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये सही हो गया। ओके, अब कॉपी टू यहाँ, अब यहीं पे कहीं लोकेशन देके ये ले आए, इस तरह थोड़ा हल्का सा, क्योंकि इसमें मुझे जो मैंने जो किया था, जिस जिस शीट पे आपको डेटा लाना है ना, उस शीट से आप इसको, हाँ जो शीट पे डेटा लाना, सही आप मुझे करेक्ट किया, सही किया, जो शीट पे लेना है आपका डेटा होना चाहिए, मतलब काम कर जाता है। लेकिन वही है कि फिर आपको सिलेक्ट यहाँ पे जाके सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ मतलब तभी काम कर जाएगा तब, खैर अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे ना स्टार्टिंग में, तो अभी ये खुलेगा ही नहीं, तभी एडवांस फिल्टर। जी जी, समझ में आया सर आपको? ठीक ठीक। तो बेसिकली इसका यूज जो है हम लोग बहुत ही कम रेयर केस में करते हैं सर, इतनी सारी क्राइटेरिया बहुत कम ही आती है। लेकिन अभी सुजीत जी जो फिल्टर, जो ये वाला फंक्शन एडवांस फिल्टर है, उसी तरीके से एक फॉर्मूला भी आ गया है जो फिल्टर का है और जो यूनिक का है। हाँ, मैं बताया था फिल्टर का फॉर्मूला मैंने लास्ट फॉर्मूले का। हाँ, तो वो भी काफी हेल्पफुल है। जी हाँ, मतलब इसकी जगह पे हम उसको भी यूज कर पाते हैं कई जगह पे। लेकिन क्या होता है कि फिल्टर का फॉर्मूला लगाने में उसमें मल्टीपल कंडीशंस के लिए एंड और देने के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होती है, जो एक्सपर्ट है वही कर पाता है, बट ये जो फीचर्स हैं, ये सिलेक्ट एंड थ्रो है, तो जो एवरेज एक्सेल यूजर है वो भी कर पाता है। हाँ, ये इससे काफी इजी हो जाता है, और इसको अगर हम अगर पहले से लगा के रख दें तो। लेकिन एक सुजीत जी इसमें प्रॉब्लम आई थी मुझे जब मैं बना रहा था इसको, इसमें शायद मैक्रो लगाने में कुछ इश्यू होता है, अगर मैं इसको मैक्रो के थ्रू रन कराना चाहूं तो शायद थोड़ा सा इशू है। मैक्रो के लिए देखिए, मैक्रो के थ्रू आप एडवांस फिल्टर क्यों करेंगे, मैक्रो में तो ऑलरेडी कंडीशन, यू अप्लाई द कंडीशंस, समझ गए ना। मैक्रो बताया कि मेरे पास खुद का टूल्स है, एक्सेल टूल्स को कॉन्फिगर कर, इसलिए सर और उसमें और ज्यादा इजी है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे टेक्स्ट टू कॉलन की, राइट सर। टेक्स्ट टू कॉलन में कुछ अच्छी चीज आपको मैं बता सकता हूँ, जैसे कि नॉर्मली तो आप टेक्स्ट टू कॉलम क्या करते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर करेक्टर के बिहाफ पे डेटा को अलग अलग पार्ट में बांटते हैं, जैसे यहाँ है ना, आप चाहते हैं स्पेस की अलग हो जाए, सो यूज द टेक्स्ट टू कॉलम।
नेक्स्ट दबा यहाँ पे स्पेस और अलग सेल में आ गया। जनरली आप लोग यही करते हैं ना, यूज हम लोग और सीओ के लिए भी करते हैं। जैसे कुछ नंबर्स आपके हैं, नंबर जो है आपके किस में है, टेक्स्ट में, तो इसके लिए आप वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला तो अगले सेल पे लगेगी ना, लेकिन मुझे इसको कन्वर्ट करना है सेम लोकेशन पे, तो टेक्स्ट कॉलम पे जाइए और जस्ट फिनिश कर दीजिए कन्वर्ट इन द नंबर, समझे। ऐसी प्रॉब्लम बहुत होती है कि आपके पास डेटा है और डेटा में बहुत सारे नंबर जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में डाला हुआ है, आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उसे टेक्स्ट टू नंबर, लेकिन उसके लिए वैल्यू और डेट वैल्यू जैसे फॉर्मूला आप नहीं यूज करना चाहते, तो यहाँ इसमें जस्ट इसमें भी नहीं, अगर मान लीजिए कि डेट भी लिखा है, किसी ने डेट को लिख दिया टेक्स्ट फॉर्मेट में, अब डेट आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ, अब इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ बगल में डेट वैल्यू का फॉर्मूला, डेट में कन्वर्ट तो हो जाएगा, नहीं प्रॉब्लम है, नहीं हुआ सके, नहीं कन्वर्ट प्रॉब्लम नहीं है, वो अप्रैल की जगह पे अप्रैल आपने कन्वर्ट हो गया, बट कन्वर्ट करने के लिए हमें एक लोकेशन लेना पड़ा ना, तो इसी सेम लोकेशन को आप करें और फिनिश, ये आपका डेट में कन्वर्ट हो गया। अब डेट की बात श्री है तो इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अच्छा क्लास से स्टार्टिंग क्लास में आप लोगों ने कुछ पूछा था मुझसे कि आपके डेट कुछ इस तरह से डले हैं 23/3/21, ठीक है सर, ओके। अब डेट आपके इस तरह से डले हैं 23 प्लस, अब इसको कैसे डेट में कन्वर्ट करेंगे, कुछ आइडिया है सुधीर जी? सर अगर ये टेक्स्ट टू कॉलम नहीं काम करेगा इसमें, या फिर हम नहीं, टेक्स्ट टू कॉलम नहीं काम करेगा क्योंकि दिस इज नॉट अ डेट, ओके, नहीं तो इसमें हम ये डॉट को रिप्लेस करा सकते हैं हाइफन से, डॉट को रिप्लेस कराएंगे फिर भी दिक्कत होगी क्योंकि 23 को फिर वो मान लेगा मंथ, ओके समझे, अच्छा करके देख लेते हैं ना एक बार, चलिए हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट फार्मूला लगाया, इसको सेलेक्ट किया और हमने बोला डॉट को डैश में कन्वर्ट कर, ओके फॉर्मूला लग गया लग रहा है, सिंपली फाइंड रिप्लेस कर दें, अगर हाँ उस भी कर सकते हैं, चलिए डैश ठीक, ओके ठीक है, सो कॉपी किया एंड वेरीफाइड, अब मैं इसको टेक्स्ट टू कॉलम करता हूँ, इसमें इसमें एक और भी तो होता है ना सर कि DMY एक वो करते हैं, हाँ इसमें जो इसके लिए क्या करना होगा टेक्स्ट टू कॉलन नेक्स्ट 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 यहाँ पे आपको करना है DMY, हाँ बस पहले तो इसको डेट में कन्वर्ट करेगा और 23 की जगह पे 3 को लाएगा और 3 की जगह पे 23 को ले जाएगा, अच्छा आपके सिस्टम में पहले ओके आपने पहले मंथ लगा, हाँ हाँ मैं समझ गया, ओके ओके DDYY, हाँ तभी 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 सर, ओके ओके समझ गया ना। सुजीत जी इस पे मैं एक आपसे सवाल करूंगा, ये एक्चुअली हमारे डिपार्टमेंट में जितना भी हम लोग वर्क करते हैं इसमें डेट का बहुत ज्यादा महत्व है, अब होता यही है कि मेरी सिस्टम डेट सुधीर की सिस्टम डेट के फॉर्मेट से डिफरेंट है, तो जो मैं एक्सेल में डेट डालता हूँ सुधीर का सिस्टम उसे कुछ और रीड करता है, उसके लिए मैंने डेट फॉर्मूले में आपको बताया था सर, आप उस दिन क्लास नहीं थे, कि हमने बोला था आपको डेट के अंदर डेट फॉर्मूले के अंदर आप डालिए, किसी भी सिस्टम डेट पे जाएगा तो वहां पे सेम शो करेगा, तो आप मैनुअल डेट ना डालें, अभी तो समस्या बड़े बड़े वेबसाइट जैसे गूगल ऐसे वेबसाइट पे जाते होंगे तो वहां पे डेट जो है अलग अलग आपको डालने के लिए बोलता हो, हाँ वैसे तो कई जगह हम भी यही करते हैं, वो कर लीजिए या फिर आप यहाँ डेट फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, ठीक है, बट इसको कंफर्म डेट फॉर्मूला अप्लाई करने में करना पड़ेगा, फॉर्मूला आपको ऐसे फॉर्मूला ही रहने देना होगा, ओके ओके ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि
डेट या कभी कभी ऐसे फाइल नेम आते हैं जो कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे 2021, 03 एंड 24, ठीक है सर। तो ये भी आपका एक डेट, इसको डेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहां भी आपका टेक्स्ट टू कॉलन आपको सपोर्ट करता है, यहां करते हैं YMD एंड फिनिश। ओके ठीक ठीक। टेक्स्ट टू कॉलम के बाद आता है रिमूव डुप्लीकेट। अभी भी हमें डुप्लीकेट्स के बारे में बात करूं, अगर आपको किसी कॉलम का डुप्लीकेट रिमूव करना है तो यहाँ रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन, ठीक है, एंड ओके कर दीजिए, रिमूव डुप्लीकेट। समझ गए? ओके ठीक सर। डाउट सर इसमें? एक बार और इसको बताएंगे? सिंपल सा, हमने कॉलम यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट कॉलम को सिलेक्ट किया एंड ओके कर। अच्छा रिमूव डुप्लीकेट, ठीक है जी। इसमें एक चीज और भी होता है, जैसे कि हमने एक कॉलम किया, मेरे पास कई सारे कॉलम्स हैं, इसको हमने सिलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट करता हूँ तो क्या होगा, सारे कॉलम को मैच करेगा, मतलब कि 57 आईपीवी इंडिया और मार्च सारे अगर डुप्लीकेट मैच करेंगे एक जैसा तभी ये रिमूव करेगा, अदरवाइज रिमूव नहीं करेगा। तो यहां से चेक अनचेक कर सकते हैं भाई, इसमें से मुझे सिर्फ नेम को रहने दो, बाकी को डिलीट कर दे। हो गया डिलीट सर? ओके, तो बाकी डेटा भी आपका डिलीट हो जाएगा, इसका ध्यान रखिए। रिमूव करने के बाद आता है डेटा वैलिडेशन। आप लोग डेटा वैलिडेशन यूज करते हैं? हाँ सर, लगाया है मैं काफी बार। करते हैं। किस तरह के, मैं उस पे लिस्ट जो बनाते हैं ड्रॉप डाउन उसी का या कंप्लीट? हाँ, सबसे ज्यादा ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने में यूज करते हैं, और कई बार उसमें नंबर और टेक्स्ट को या फिर कोई फिक्स फॉर्मेट को के लिए वैलिडेशन लगाते हैं। कोई इजी सा तरीका बताइएगा कि जो लिस्ट होती है ना, मान लीजिए कोई जो लिस्ट है, सर आवाज आ रही है मेरी? देखिए हम आपको कुछ एग्जांपल समझाते हैं, कुछ समझिएगा। ओके, तो जैसे कि आप इस कॉलम में सिर्फ नंबर एंट्री करना चाहते हैं, तो यहाँ डेटा वैलिडेशन में आप होल नंबर दे दीजिए, होल नंबर में आप यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो या कुछ और देना चाहते हैं अपनी कंडीशंस वो दे सकते हैं, हमने ओके कर दिया। अब इसमें जो नंबर एंट्री होगा माइनस एंट्री नहीं होगा, और कोई भी नंबर डेसिमल में एंट्री नहीं होगा, क्योंकि हमने होल नंबर सेलेक्ट किया। उसके बाद इसी में होल नंबर में अगर डेसिमल कर दे तो डेसिमल भी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और यहां अगर हम बात करते हैं लिस्ट की, अगर आपके पास कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स है सेम सीट या अनदर शीट पे, तो आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लिस्ट करते हैं। जनरली ये तो आप करते ही हैं, बस औपचारिक रूप में मैं आपको बता दूं। इसमें इस तरह के डॉक्यूमेंट आएंगे। दूसरी चीज, अगर इसकी डेटा वैल्यूएशन में जाए तो इसमें डेट है, आप पर्टिकुलर डेट से बड़ा छोटा डाल सकते हैं, टाइम से डाल सकते हैं, टेक्स्ट लेंथ से मैं इसमें मोबाइल नंबर डालना चाहता हूं, ठीक है। तो मैंने यहाँ डेटा वैलिडेशन के टेक्स्ट लेंथ में हमने यहाँ पे डाला इज इक्वल टू 10 डिजिट के इक्वल ही हो, अदरवाइज ना हो, दैट ओके। मैं यहाँ पे नंबर डालूंगा 10 डिजिट तो लेगा, अदरवाइज गलत लेगा।
अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, जो मैसेज देख रहे हैं ना, अब कोई नया यूजर है एक्सेल का, वो अच्छी तरीके से एक्सेल को ना जानता हो, वो समझ पाएगा कि क्या है आखिर? कुछ साउंड अब क्लियर नहीं आ पा रही सर। हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ कि कोई अगर नया एक्सेल का यूजर है, इस मैसेज को देख के क्या समझेगा? हाँ, उसको पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले मैं अपना मैसेज डिफाइन करूँगा, खुद का मैसेज डालना चाहता हूँ। वो डेटा रिलेशन में यहाँ इनपुट मैसेज आता है, ये यूज करते होंगे, कमेंट यूज करते हैं ना, राइट क्लिक किया और आपने इंसर्ट कमेंट या लोड कर दिया और डाल कुछ भी डाल देते हैं कि दिस इज नंबर, ठीक है, आएगा तो दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। माउस पॉइंटर, लेकिन कर्सर पॉइंटर जाएगा तो नहीं दिखेगा। अब मैं चाहता हूँ कि ऐसा कमेंट जो मैं माउस कर्सर जाने के बाद, भाई सॉरी कीबोर्ड कर्सर जाने के बाद भी मुझे मेरा कमेंट शो हो, तो डेटा वैलिडेशन में कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए मोबाइल एंटर मोबाइल, हमने इसको ओके किया। अब देखिए जैसे मेरा कर्सर जाता दिख रहा है सर, इसके बाद भी अगर कोई गलत लिखता है तो उसके लिए यहां अलर्ट अलर्ट में दीजिए रॉन्ग नंबर और यहां पे प्लीज चेक री एंटर मोबाइल नंबर। जैसे मैं कोई गलत डालूंगा मुझे मेरा मैसेज देगा। सर इसके भी क्राइटेरिया है सर, इसमें स्टॉप है, मतलब किसी भी तरह से एंट्री एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। वार्निंग, ये आपको यस एंड नो के लिए देगा, क्लिक किया यस, ठीक है, कर दीजिएगा तो एंट्री एक्सेप्ट कर देगा। इसमें तीसरा आता है इंफॉर्मेशन, जस्ट आपको इन्फॉर्म करेगा। तो अपने प्रायोरिटी के ऊपर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या। ओके सर, ओके सुजीत जी, इसमें जो पहले आपने एक कमेंट डाला था जहां मोबाइल लिखा है, इसमें एक बार ये बताएंगे क्या चीज होती है? देखिए जैसे कि जब क्लिक करते हैं ना तो ये मैसेज दिखा है ना सर जी, ये मैसेज शो करना चाहते हैं कहीं पे टाइप करे तो उसको एक बॉक्स, नहीं ये वाला नहीं, इससे पहले जो आपने वो कमेंट था, कमेंट नहीं, ये इसका क्या, मैंने ये पहले और भी शीट्स पे देखा है तो इसमें एक साथ कई कमेंट मैंने देखे हैं, तो इसका नहीं बताइए ना कि मतलब आप लोग कुछ परचेज करते हैं तो प्राइस दिखा रहा था, प्राइस में वो स्टार लगा रहा था, स्टार का मतलब समझते हैं टर्म एंड कंडीशन, मतलब कि एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसके नीचे कुछ लिखा रहता है। सेम से अगर आपको कुछ फील्ड है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको शो करना जरूरी नहीं है बट आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, तो माउस पॉइंटर ले जाएंगे। नहीं इसमें रिप्लाई क्या आ रहा है? जैसे कि मिस्टर ए ने एक डेटा बनाया, मिस्टर बी को दिया, मिस्टर बी ने डेटा को चेक किया, ठीक है, चेक करने के बाद उसको लगा कि इस फील्ड में कुछ प्रॉब्लम है या इस सेल में प्रॉब्लम है, तो उसने कमेंट डाल दिया। अब मिस्टर ए को भेजा, अब मिस्टर ए जो है बोला कि नहीं नहीं ये कमेंट में ये जो चीजें डाली हुई है वो सही है, प्रॉपर है, तो इसमें रिप्लाई यू कैन आल्सो एंटर फॉर टेलीफोन नंबर, समझे?
तो इस तरह से अच्छा, तो ये कमेंट की जो एक्सपीरियंस है वो मुझे दिखाएगा। अब कोई भी कर्सर माउस पर ले जाएगा तो उसको दो कमेंट दिखेगा। अच्छा अच्छा, जो भी इसने जिसने भी किया होगा। एक तरह से कहिए ना कि इस फील्ड से रिलेटेड आप कन्वर्सेशन या चैटिंग सिस्टम समझिए, ठीक है? क्योंकि वर्ड फाइल में भी होता है, ये एमएस वर्ड में भी होता है, सब में होता है। ठीक है, इसमें जो कोलिया भी जुड़ा है इसमें, इसका यूज हम लोग करते थे 2007 में। नहीं सर, एक हम लोग क्या करते थे, पासवर्ड टीम होता था, तो पासवर्ड टीम एक ही फाइल पे हम लोग काम करते थे, शेयर ड्राइव नेटवर्क पे। तो उस समय हम लोगों की चैट करने का कोई सिस्टम ऐसा नहीं था, तो हम लोग इसी मैसेंजर के इसी कमेंट के मदद से चैट करते थे। अच्छा, अभी इसमें खोलिया जी, भाई कोई बड़ी चीज नहीं है सर। नहीं है सर, नहीं है, खोलिया नहीं है सर। नहीं है खोलिया जी, नहीं है सर। इसमें जितने बाकी जो लोग हैं एक्चुअली खोलिया से इसलिए कह रहा था कि वो अभी संख्या देख रहे हैं तो उनके लिए वैलिडेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये वैलिडेशन उन्होंने देखना चाहिए और इसको आगे यूज करना चाहिए। बाकी लोग भी जो लोग भी हैं जुड़े हुए वो लोग इसको देखें। अब इसमें इसमें आगे बढ़ता हूँ, वैलिडेशन में ही हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने आपको कंडीशनल वर्डिंग की क्लास में बताया था कि अगर इस कॉलर में किसी ने टैक्स लिखा हुआ है तो वो एंट्री एक्सेप्ट ना करे, कलर रेड हो। मैं चाहता हूँ कि अगर आपने इस कलर इसमें अगर किसी तरह का टैक्स एंट्री किया तो एंट्री एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इसमें टैक्स लिखा हुआ है वो बताता है इज टैक्स फॉर्मूला, इज टैक्स फॉर्मूला बताता है इसमें टैक्स है या नहीं। तो यहाँ हम डेटा वैल्यूएशन, सर प्लीज म्यूट कर लेंगे तो शोर आ रहा है बैकग्राउंड से। तो यहाँ हम आते हैं और यहाँ कस्टम पे आते हैं। कस्टम में हमें फॉर्मूला लगाने का ऑप्शंस मिलता है, तो इसपे मैंने लगाया इज टेक्स्ट नहीं इज नंबर। इज नंबर का फॉर्मूला होता है, इज नॉन न्यूमेरिक भी होता है, इज नंबर। अब इस नंबर फॉर्मूले को कॉपी किया मैंने, इस पे कर्सर रखा, लेकिन सिंगल सेल पे रखेंगे, ध्यान रखिएगा, पूरा एरिया सिलेक्ट नहीं करेंगे, कोई फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। इसको पेस्ट किया, देन फिर इसको कॉपी करके नीचे की तरफ हम पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें हम नंबर डालते हैं तो एंट्री एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई द फॉर्मूला है। अब जैसे डुप्लीकेट की ही बात हुई, अब मैं चाहता हूं कि मेरी जैसे कि आईडी नंबर है, इस कॉलम में कोई भी पर्सन डुप्लीकेट एंट्री कर ही ना पाए, तो मैं क्या करूंगा, यहां सॉरी कस्टम में इक्वल यहां पे देता हूं मैं काउंट इफ, हमने जे कॉलम पूरा ले लिया कॉमा जे टू ले लिया और इक्वल टू वन किया। और वन इसलिए करना है क्योंकि डेटा रिलेशन तभी वर्क करता है जब वो एक एंट्री हो जाती है। तो यहां पे कोई एक नंबर डालेंगे तो एटलीस्ट वो वन तो होगा ही होगा। तो यहां पे हमने इसको कॉपी कीजिए, बाकी जगहों पे पेस्ट या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में डेटा वैलिडेशन है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। हमने यहां पे वन लिखा, यहां एक्सेप्ट नहीं करेगा, यहां टू लिख दिया, नीचे कहीं टू एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके ओके, अब लिस्ट बॉक्स में आपने देखा कि हमने लिस्ट दिखाया यहां, लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास एक नेम है और मैं उसका उल्टा करना चाहता हूं। मेरे पास ऑलरेडी कुछ नेम ऑफ द लिस्ट है, मैं चाहता हूं कि मेरे एल कॉलन में जो नेम है वो एंट्री एक्सेप्ट ना हो, और कोई अगर पूजा लिखे एंटर मारे तो पूजा एक्सेप्ट ना करे।
तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए जाएंगे कस्टम में, और यहां इक्वल हम लिखेंगे काउंट इफ, और काउंट इफ में हमने ब्रैकेट में लिया और इस पूरे को सिलेक्ट कर लिया और इसको सिलेक्ट कर लिया, एट इज इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, सॉरी इक्वल टू जीरो, माफ कीजिएगा, इक्वल टू जीरो होगा तभी वर्क मतलब एक्सेप्ट करेगा, अगर अदरवाइज एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, देन ओके कॉपी किया और राइट क्लिक पेस्ट स्पेशन वैलिडेशन, पूजा सर। अब मान लीजिए कि दो में से एक का है, ये मेरा ही देख लीजिए कि किसी ने क्लास यहां पे क्लास टाइप चूज करना है, तो मेरे पास ऑप्शन है कि आपको मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे एंड संडे। अब कोई भी पर्सन इसमें से किसी एक मीडियम को चूज कर सकता है। अगर मान लीजिए कि मैं नेम ही दे देता हूँ ऐसे ही फील होने के लिए कि पूजा को पसंद आया, इसने एसएस को चूज कर लिया, लेकिन वो चाहे कि बाद में सोचा कि भाई मैं मंडे टू फ्राइडे दोनों ले लूँ, तो दोनों को चूज नहीं कर सकता या दोनों को रिजेक्ट नहीं कर सकता, कोई एक तो चूज करना ही पड़ेगा। सो मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों पर मैं वाई नहीं टाइप करना चाहता हूँ, कि अगर किसी एक में वाई टाइप है तो दूसरे पे y टाइप ही ना। तो श्याम जी क्वेश्चन समझ में आया आपको? हाँ समझ में आ गया, इंटरेस्टिंग है। एक पे हम कर सकते, हमारे पास एक होता है फॉर्मूला x और का, x और हमने इसको सिलेक्ट किया दैट इक्वल टू y, कॉमा इसको सिलेक्ट किया दैट इज इक्वल टू y। अब इसमें क्या है कि एक ट्रू तभी आएगा जब किसी एक में वाई होगा, अगर दोनों में वाई है तो फॉल्स और दोनों में एन है तो फॉल्स, ठीक है। लेकिन ये एक्स और क्या है, ये तो और फॉर्मूला से भी हो जाएगा शायद। एक्स नहीं, और फॉर्मूला से कैसे आएगा, और फॉर्मूला तो एक है, एक से ज्यादा एंड और से आ जाएगा। और फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं तो वो तो अगर यहां पे y कर दिया हमने कॉमा, यहां भी इक्वल टू y कर दिया तो फॉल्स आ रहा है। अब किसी एक में y किया तो ट्रू आ रहा है, दोनों में y किया फिर भी ट्रू आ रहा है ना, यहां तो फॉल्स होना चाहिए ना, इसलिए हमने x और को चूज किया। अब इस एंड फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बोल रहे, एंड फॉर्मूला एंड में भी नहीं होगा सर, वाई चाहिए ना सर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो मैंने यू के आगे का डॉलर साइन लगा दिया और इसको कॉपी किया और यहां पे कर्सर रखा हमने, डेटा वैलिडेशन कस्टम, और यहां पे चुन कर दिया, फिर इस पे हमने डेटा वैलिडेशन कस्टम फॉर्मूला। अब इन दोनों को कॉपी किया और नीचे की तरफ हम राइट क्लिक करें पेस्ट स्पेशल एंड वैलिडेशन। सुजीत जी इसमें आप पेस्ट स्पेशल का यूज क्यों कर रहे हैं, ये सीधे अगर हम एक बार सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मूला लगाएं तो ये लगता नहीं क्या सभी में? नहीं नहीं, फॉर्मूला इंक्रीज कैसे होगा सर, मतलब जैसे हमने पहले सिलेक्ट कर लिया, इंक्रीज कैसे होगा, नहीं समझे, हमने तो फॉर्मूला लगाया और टी टू और यू टू पे लगाया ना, 3, 4, 5, 4, 6 कैसे होगा जब तक हम नीचे कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे तब तक। समझे कि नहीं, हमने जो फॉर्मूला इसमें डेटा वैलिडेशन में जो फॉर्मूला लगाया उसमें हम टी टू और यू टू सिलेक्ट किया ना, जब इस पे कर्सर आएगा तो इसका वैलिडेशन में यहाँ पे T3 और U3 है ना, तो ये इंक्रीज तभी होगा ना, फॉर्मूला इंक्रीज तभी करेगा ना जब हम ड्रैग करेंगे,
इसलिए अच्छा जरूरी है। यार सेम कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी बताया था आपको मैंने, यार एक सिंगल सेल सिलेक्ट करेंगे जो फॉर्मूला। अब एक अनदर क्वेश्चन और है इसमें कि मेरे पास एक सवाल मेरा इसमें और है कि जब हम इसमें फॉर्मूला लिखते हैं तो जो फॉर्मूले का जो रिटर्न वैल्यू है ये ट्रू और फॉल्स ही आना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ट्रू होगा तो एक्सेप्ट करेगा, फॉल्स होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि इसमें हम बाकी कोई अनदर और कोई वैल्यू वैल्यू नहीं ले सकते। नहीं, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल एक और देखिए कि नेम है और मेरा यहाँ पे एडवांस है, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इससे मैंने एक कंपनी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। एक कलेक्शन कंपनी थी जिसने अपना बैंकों के कलेक्शन करवाती थी, तो उसके जो मेंबर थे, टीम लीडर्स थे, सॉरी माफ कीजिएगा, उसके फील्ड एग्जीक्यूटिव थे। अभी एक मिनट में बंद हो जाएगा तो दोबारा आप रीज्वाइन कर लीजिएगा। तो उनके जो फील्ड एग्जीक्यूटिव थे उनको क्या होता था कि हमें एडवांस देना पड़ता। तो एडवांस देने का प्रोसीजर ये था कि सबसे पहले आता था रिसेप्शन पे, फॉर्म लेता था, फॉर्म भरता था, रिसेप्शन भेजता था एचआर टीम को, एचआर टीम सब चेक चाक करके फिर भेजती थी अकाउंट टीम को, अकाउंट टीम उसके मेमो वगैरह बना के भेजती थी किसको, अपने डायरेक्टर या मैनेजर्स को, मैनेजर्स को अप्रूव करके फिर भेजता था पेमेंट डिपार्टमेंट को, पेमेंट डिपार्टमेंट जब उसकी पेमेंट चाहता था तो देखता था कि इसकी लिमिट तो एक्सपायर नहीं है, तो पता चलता है कि इसे ऑलरेडी एडवांस उठाया हुआ है, क्योंकि पेमेंट कितना हुआ क्या नहीं हुआ इसकी रिकॉर्ड सिर्फ रहता था पेमेंट टीम के पास। तो क्या होता था कि रिसेप्शन का टाइम बर्बाद, एचआर का टाइम बर्बाद, अकाउंट का टाइम बर्बाद, मैनेजर्स को साइन करने का टाइम बर्बाद। तो मैंने सिस्टम तैयार कर दिया कि रिसेप्शन पे डाल दिया कि भाई कोई भी एडवांस के लिए आए सबसे पहले इसका नाम एंट्री यहां करो, सॉरी सर।
रीस्टार्ट हो गया था, रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी है। तो मैं बात कर रहा था कि मैं चाहता हूं कि इसकी जो एडवांस है वो लेस देन इक्वल टू 10,000 है। अगर 10,000 वो उठा चुका है तो इस कॉलम में उसका नाम और अमाउंट एंट्री ही ना। तो इसके लिए हम आते हैं इस पे कस्टम पे, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, और हमने लिया एलिया इसको किया और सम रेंज हमने इसको लिया, और उसको मैंने बोला कि ए लेस देन 10,000 होना चाहिए, लेस देन 10,000 एंड ओके टू। सेम यहां पे आया और इसकी वैलिडेशन में गया, लिस्ट पे गया, और यहां पे लेस देन इक्वल टू हमने 10,000 कर दिया, सेम चीज, सॉरी लिस्ट के नहीं कस्टम करना चाहिए। और फिर इन दोनों को सेलेक्ट किया, कॉपी किया और नीचे तक पेस्ट कर दीजिए या पेस्ट स्पेशल एज ए वैलिडेशन कर दीजिए। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि पूजा हो गई और यहाँ पे हमने 5,000 दे दिया, और इसके बाद नीचे कहीं भी मैं पूजा, अब मैं यहाँ पे 6,000 डालूंगा, यहाँ 5,000 डाल सकता हूँ। इसके बाद अब यहाँ पे पूजा लिखूंगा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि पूजा ऑलरेडी 10,000 उसकी लिमिट को ले चुका है। तो श्याम जी, सुधीर जी, कोई डाउट इसमें? नहीं, कोई डाउट नहीं, नहीं, नहीं। एक बार और समझाइए प्लीज। कुछ नहीं, हमने क्या किया, सम इफ का फॉर्मूला, हमने बोला कि वाई कॉलम में जो नेम दी गई है वो जेड कॉलम में उसका अमाउंट का टोटल क्या है, तो सम इफ इसका टोटल कर देता है। हमने बोला कि सम इफ जो रिजल्ट दिया वो लेस देन 10,000 होना चाहिए, और सेम फॉर्मूला हमने एडवांस वाले में लगा दिया, बस उसमें छोटी सी चेंजिंग की कि लेस देन इक्वल टू 10,000 होना चाहिए। अगर यहाँ इक्वल टू ना लगाते तो यहाँ 5,000 एक्सेप्ट नहीं करता, ये आपका 4,999 तक एक्सेप्ट करता, लेकिन यहाँ पे इक्वल लगाने से वो 5,000 एक्सेप्ट कर रहा है, सिंपल। ओके, आगे बढ़े सर। हाँ, आगे बढ़िए, चलिए। अब आगे का जो हमारा है वो भी मजेदार है सर, डिपेंडेंट लिस्ट बॉक्स। आप लिस्ट बॉक्स तो बनाते हैं, हम आपको बात कर रहे हैं डिपेंडेंट लिस्ट बॉक्स की। जैसे मान लीजिए कि सिटी है दिल्ली और नोएडा, अब दिल्ली के यहां पे ये है एरिया है, जैसे कि साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, सेंट्रल, एनसीआर और नोएडा के मान लीजिए सेक्टर्स है। अब यहां पे सिटी है और यहां पे एरिया है, तो सिटी के लिए हमने यहां डेटा वैल्यूएशन में लिस्ट ले लिया, जो नॉर्मल लिस्ट आप लेते हैं। तो मैं चाहता हूं जब मैं यहां दिल्ली सेलेक्ट करूं तो यहां दिल्ली का एरिया आना चाहिए, अगर मैं नोएडा सेलेक्ट करूं तो फिर नोएडा का एरिया आना चाहिए। तो इसको करने के तरीके हैं, देख लीजिए। मैं यहां पे ले लिया साउथ, मैंने एरिया को सेलेक्ट किया, डिफाइन नेम पे गया और यह इसका नाम मैं दे दिया दिल्ली, सेम ये होना चाहिए, स्पेलिंग होना चाहिए जो यहां है, और इसका भी सेम स्पेलिंग नोएडा, आपने डिफाइन नेम में नाम दे दिया नोएडा।
अब यहां हम डेटा वैलिडेशन में आते हैं। लिस्ट, और लिस्ट में अब क्या है कि मैं इक्वल टू नोएडा दे दूंगा तो नोएडा नाम के नेम रेफरेंस को तो रिफर करेगा नहीं, इसलिए मैंने यहां पे लगाया फॉर्मूला इन डायरेक्ट, ब्रैकेट ओपन किया और नोएडा को सेलेक्ट कर लिया एंड ओके। देखिए नोएडा के सेक्टर्स आ गए, दिल्ली दिया तो दिल्ली से सेक्टर आ गया। क्लियर है सर? इसे एक बार फिर से बता दीजिए, मेरा एक कॉल आ गया था। सिंपल सा, आपको क्या करना है कि यहां सिटी का लिस्ट रखना है और फिर हर सिटी का अलग अलग इस तरह से आपको एरिया डिफाइन करना है। इन सबों का नाम सिटी के हिसाब से नाम आपको डिफाइन नेम में जाके नेम रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे दिल्ली और जैसे मैंने यहाँ पे नोएडा रखा हुआ है। उसके बाद फिर डेटा वैलिडेशन लगाते समय, जब आप डेटा वैलिडेशन लगाएंगे तो डेटा वैलिडेशन लगाते समय आप इनडायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर इस दिल्ली को सिलेक्ट कर लेंगे या जो भी सिटी है सिटी को सिलेक्ट कर लेंगे। आ गया सर? एक बार अगर आपने पहले ना बताओ तो एक बार इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या करता है, बेसिकली इसका क्या यूज होता है? देखिए इनडायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था, एरे में भी बताया था, इससे पहले भी बताया था, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। आप लोग यहाँ इक्वल ए टू डालेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट आएगा ना। लेकिन मैंने यहाँ पे ए टू लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ ए टू को रिजल्ट ए टू समझ के, रिजल्ट मैंने रेफरेंस ए टू समझ के मुझे दिल्ली रिटर्न करे। अच्छा, के लिए इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, इनडायरेक्ट बताएगा सिस्टम को कि A2 इज नॉट ए टेक्स्ट, A2 एक रेफरेंस है और उस रेफरेंस की वैल्यू को यहाँ लाके दे देगा। अच्छा, तो सेम इसी तरह से यहाँ बता रहा है इनडायरेक्ट कि दिल्ली इज नॉट ए टेक्स्ट, दिल्ली इज रेफरेंस, और रेफरेंस लेके कहाँ नेम में चला जा रहा है और फिर ये पूरा लिस्ट जो है डेटा रिलेशन को मिल जा रहा है। ओके, और हम लोग इनडायरेक्ट का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, यूज केसेस क्या होते हैं? सर एरे फॉर्मूला में मैंने इनडायरेक्ट के दो तीन यूज बताए थे, इससे पहले मैंने रेफरेंसेस फॉर्मूले में मैंने बताए थे, आप इसकी वीडियो देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो देख लेंगे। ठीक, इनडायरेक्ट फॉर्मूला अकेले कुछ नहीं करता है, किसी फॉर्मूले एरे फॉर्मूले में खासकर इसका यूज होता है और काफी ज्यादा अहम रोल अदा करता है। चलिए एक और एग्जाम्पल हम इनडायरेक्ट देते हैं, इसमें भी इनडायरेक्ट नहीं होगा, इसमें इनडायरेक्ट की जरूरत नहीं है। जैसे कि मेरे पास नेम ऑफ द लिस्ट है, हमने यहाँ पे नेम लिस्ट तैयार कर लिया और फिर यहाँ पे हमने सिटी लिस्ट तैयार कर ली। अच्छा, ज्यादा हो गया, कम कर देता हूं। अब प्रॉब्लम है कि मेरे पास बहुत सारे सिटी है, बहुत सारे सिटीज है मेरे पास, यहां देख रहे हैं आपको बहुत सारे सिटीज है, तो मैं चाहता हूं कि यहां पे नेम और सिटी दे। तो यहाँ पे नेम बहुत सारे हैं, सिटी भी बहुत सारे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी ना सर। तो सबसे पहले नेम को कॉपी किया या यूनिक फॉर्मूले से हम यहाँ पे लेके आएंगे या डेटा या रिमूव डुप्लीकेट कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं यहाँ पे आया डेटा वैलिडेशन लिस्ट और इस लिस्ट में हमने चूज कर लिया अपना नेम। अब मैं चाहता हूं कि अब नाम मैंने पूजा सेलेक्ट किया, तो जैसे यहाँ फिल्टर लगाते हैं और पूजा जब सेलेक्ट करते हैं ना, तो पूजा के पास जितने भी लिस्ट ऑफ सिटी है वो यहां दिखना चाहिए। ठीक है, ठीक है,
देखिए इसमें डुप्लीकेट्स है, एक सिटी दो बार है, तो इसको सिलेक्ट करके मैं एक बार रिमूव डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने शॉर्ट किया, यहाँ पे शॉर्टिंग इंपॉर्टेंट है सर, नेम के हिसाब से हमने शॉर्ट कर लिया। एक काम करता हूँ सर, यहाँ से नहीं मैं डेटा उठाता हूँ, अच्छा सा ही डेटा उठाता हूँ, डेटा मन लाइक नहीं है। आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आएगी सर, एक चुप था सर, डेटा बना रहा था सर, अब मेरा डेटा बन गया। इसमें देखिए अमर है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो आपका नेम है ना सर, वो सॉर्टेड होना चाहिए, अगर नेम सॉर्टेड नहीं तो दिक्कत होगी सर। यहाँ पे नेम को सॉर्ट कर लिया और नेम के अंदर सिटी है, तो मैं चाहता हूँ जैसे मैं यहाँ पे अमर को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक मिनट करते हैं, ये लिस्ट गलत हो गया है, करते हैं ये अलग नाम का लिस्ट आ गया। अब सही, तो यहाँ जो लिस्ट अमित है, तो अमित का जो भी यहाँ पे डेटा है ना यहाँ दिखना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें एक ट्रिक्स अपनाना होता है। मैंने यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगाया और इसको सेलेक्ट करके हमने इस पे ढूंढा कि मैच हमारा अमित जो है कितने नंबर रो से है, 10 नंबर रो से है। फिर मैंने यहाँ पे काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया और काउंट इफ का फॉर्मूला हमें बताता है कि जो अमित है वो कितना बार है, मतलब 8, मतलब मुझे अमित से 8 रो नीचे तक जाएंगे तो उतना डेटा हमारे पास है ऑफसेट। तो इसके लिए हम ऑफसेट फॉर्मूला यूज करेंगे, ऑफसेट स्टार्टिंग ऑफ द डेटा 10-1 और 8 नंबर ऑफ यहाँ पे रो, कॉलम मैंने दिया 1, अगली कॉलम में इसलिए 1, और हाइट हो जाएगी हमारी 8 और विड्थ हो जाएगी 1। देखिए एक बार देख लेता हूं मैं, अमित उदयपुर से लेके नागपुर तक आगे तो मेरे कमांड नहीं होता हमारे। हेलो अच्छा अपने ना भेज दिए ना सर, चलिए अंकल निकल, अब इसको कॉपी करते हैं और इस पे सर चलिए अंकल निकल, इसमें इसको कॉपी करने के बाद इसको मुझे फार्मूला मर्ज करना पड़ेगा ना सर, बहुत सारे फार्मूले हैं ना, इसलिए कॉपी करके मुझे इस ऑफसेट में जहाँ F1 है वहाँ पे पेस्ट किया और जहाँ काउंट इफ का है वो ले लेता। इसमें मुझे नेम मैनेजर में डालना है क्योंकि ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम डेटा वैल्यूएशन में नहीं डाल सकते, तो नेम मैनेजर में डालने से पहले मुझे इसको फ्रीज करना पड़ेगा, अगर फ्रीज नहीं करेंगे ये परफॉर्म नहीं करेगा। फ्रीज करने के बाद हम इसको कॉपी करते हैं, जैसा कि हमें बताया था कि नेम जो डिफाइंड नेम है वो फॉर्मूला भी एक्सेप्ट करता है, तो डिफाइंड नेम में गया और यहाँ पे हमने ले लिया
dt, और उस फॉर्मूले को मैंने यहां पेस्ट कर दिया दैट ओके। उसके बाद हमें जाना है डेटा वैलिडेशन पे, और इसके जाना है हमें लिस्ट में, और लिस्ट में इक्वल dt ठीक है। अब मैं यहां पे नाम चेंज करता हूं, मैं करता हूं अमर या कविता, यहां देखिए कविता की लिस्ट आ गई। इसको बोलते हैं डिपेंडेंट लिस्ट बॉक्स। हेलो सर, इसमें जो आपके यहाँ ऑफसेट चलता है वो कंप्लीट लिस्ट निकाल के दे देता है, लेकिन 2019 में क्या होता है कि जो ये ऑफसेट है वो केवल एक सिंगल वैल्यू ही दे रहा है। नहीं, आपने देखा नहीं कि मैंने ऑफसेट में क्या किया। देखिए ऑफसेट कभी भी, आप ध्यान रखिए, ऑफसेट कभी भी आपको वैल्यू नहीं देता, पहले चीज नोट कर लीजिए। ऑफसेट कभी भी आपको वैल्यू नहीं देता है। ओके, आप इसको लगाइए, ये आपका रेफरेंस। अगर मैं इसको सम फॉर्मूले में लगाऊं, आप देखेंगे कि ऑफसेट एबिलिटी में देखेंगे कि आखिर ये क्या रहा है। ऑफसेट में सम को दिया, क्या दिया, रेफरेंस। ओके ठीक है, ठीक है, रेफरेंस बना उठा ही दिया है कि ऑफसेट में होता है लास्ट में कॉलम के बाद हाइट और विड्थ, हाइट और विड्थ ओके छोड़ देते हैं। तो मैंने नहीं, हम छोड़ नहीं देते सर, मैंने 1 डाल दिया। सुनिए ध्यान से, फुल मतलब कि 3 रो एंड 2 कॉलम। ओके अब देखिए ऑफसेट क्या बना के दे रहा है। ऑफसेट बना के आपको B2 से C4 ओके मतलब कि वो A1 से रो एक रो नीचे आया, एक कॉलम आगे गया, यहाँ से 3 रो को लिया और 2 कॉलम को लिया। ठीक है, इसमें से ये सम, अगर इसमें से सम हटा दी जाए तो ये तब तीनों का वो देगा ना। जी हाँ, जैसे यहाँ पे दिया ना, लेकिन मैंने ये किया, मेरे जो 2019 है इसमें इसने केवल ये फर्स्ट जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वही देता है, बाकी आगे की लिस्ट नहीं देता। आपको लगा कि 10 रो है 20 रो है तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए, एक्टिवेट करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारिए। वही समस्या हो रही है वो सिलेक्ट करने की, और वो फिर ये है तब हाँ, उस सेलेक्ट करके तभी कहानी करनी पड़ती है उसमें तब। ओके एक क्वेश्चन मेरा इसमें और था ना सर, मान लीजिए आपकी जो हमारी लिस्ट है ये जिसको हम उठा के वैलिडेशन में डाल रहे हैं, ये डायनेमिकली अपडेट होती है और इसमें कहीं कहीं ब्लैंक भी होता है, तो हमें ऐसी लिस्ट चाहिए जिसमें से ब्लैंक भी हटा हुआ हो और जो अपडेटेड लिस्ट है वो भी अपने आप आती रहे। मान लीजिए हाँ, आइटम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें आपको ये जो डेटा है ए बी, मेरा डेटा को एक बार सॉर्ट करना पड़ेगा। ओके पीछे कहीं कुछ डाल दूं तो लुकअप नहीं करके देगा, तो यहाँ सॉर्ट करना पड़ेगा। नहीं नॉर्मल ये डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन हमने सीखा, अगर नॉर्मल हमने एक ही ड्रॉप डाउन बनाया। नॉर्मल में भी प्रॉब्लम ये है कि आपको जो है जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई ब्लैंक ना ले, एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, एक लिस्ट क्रिएट ब्लैंक डालेंगे, फिर उसको नेम रेंज में डालेंगे, फिर एरे जो आपको सपोर्ट नहीं करेगा डेटा वैलिडेशन। जैसे चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, राइट, मैंने यहाँ पे कुछ नाम दे दिए ठीक है, और इसमें हमने 2-3 जगह पे ब्लैंक कर दिया, तो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया इज ग्रेटर देन 0 तो लिस्ट ठीक है सर। ओके तो प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे फॉल्स आएगा, लिस्ट में फॉल्स आएगा। इसको अब हम ये कर दें कि शॉर्ट में डाल देते हैं, चाहे फिल्टर नहीं, उसमें तो फॉर्मूला ही नहीं है शायद ना सर, ये 2019 में। जी हाँ,
वहां हमारी समस्या कैसे समाधान होगा तब? तो उस आपकी समस्या की समाधान नहीं हो पाएगा। तो ऐसा तो नहीं सर, ऐसा नहीं ये सर, कुछ तो समाधान समाधान बनाना पड़ेगा। सर आपने बोला था कि मेरी हर समस्या की समाधान बीवी है। लेकिन तब फिर भी नहीं आएगा सर, डेटा वैलिडेशन वर्क नहीं करेगा। उसी लिए इसी चीज के लिए हम लोग डिपेंडेंट कॉम्बो वर्क्स का इस्तेमाल करते हैं ना। सुधीर आपकी समस्या का समाधान मैं दे रहा हूँ। okay, समस्या का समाधान आपका ये है कि आपको जितने लोग आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं उन सबको ऑफिस 365 का सब्सक्रिप्शन दिलाएंगे जी हाँ, तो आपको ये सब चीजें इशू नहीं रहेगी। हाँ तब सही हो जाएगा सर ये। जी जी हाँ, क्योंकि मैं खुद भी 365 यूज कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला मैंने क्रिएट किया हुआ है पहले Okay. और अभी मैं एक दूसरी एक्सेल शीट में मैंने बनाया हुआ है जिसमें ये ब्लैंक चला जाता है। तो okay. पता नहीं अभी मुझे थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। मैंने आपके साथ ही पहले हमने बनाया था तो ये इश्यू आ रहा था जी, अभी जी. मैंने दोबारा बनाया है। उसमें एक हैश सुजीत जी मैं एक ना उसमें मतलब जब मैंने बनाया था तब ध्यान आ रहा है मुझे कुछ लास्ट में हैश लगाते हैं वो जो स्किल वाले फार्मूला होता है उसको निकालने के लिए कुछ, और उसके बाद वो पूरी लिस्ट एकदम से क्लियर निकलती है। सर ये 90 में भी सर जुगाड़बाजी करके तो हो जाता है कि इधर से दो तीन सेल मतलब दो तीन बार फॉर्मूला लगाएंगे तब जुगाड़बाजी करके तो हो जाता है, इजीली हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि लिस्ट तो आपको मिल जाएगा, फिर उस लिस्ट को आपको करना पड़ेगा वैलिडेशन सेलिंग। ओके समझ गया ना। हाँ लिस्ट तो ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट वैलिडेशन में नहीं डाल पाएंगे। आप इसमें लिस्ट बना सकते हैं ना कि यहाँ पे आप ये कर दे, वन लिख दिया आपने और फिर आपने लिखा कि इफ सामने वाली वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो है तो मैं यहाँ पे सीएल नंबर आपने बताया था ना आपको मैंने जीरो है तो मैक्स फॉर्मूला लिया हमने। मैक्स फॉर्मूला में हमने इसमें प्लस वन कर दिया अदरवाइज ब्लैंक कर दिया ठीक है। अब आपका लिस्ट जनरेट हो गया। अब एक मिनट ये नहीं नहीं इसमें फ्रीज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप क्या करें एक से लेके काउंटिंग लिखे 14 तक की काउंटिंग आप इफ की मदद से कर ले, जो कि इससे पहले की क्लासेज कल की क्लास में आई थिंक बताया था मैंने, कल नहीं उससे पहले जब फॉर्मूले की क्लासेज चल रही थी सर याद होगा। और यहाँ वी लुकअप लगा ले मैच करा के तब या वी लुकअप करा के तो ओके। ये आप कहीं भी कर सकते हैं। हाँ अब इसको लिस्ट में दे रहे अब इसको लिस्ट में तो ये तीन चार स्टेप हो गए यही समस्या। अगर मैं डिलीट करता हूँ तो लिस्ट गायब हो जाएगी आपकी। तो ये हाँ फॉर्मूले वगैरह लगा देंगे तो यहाँ सो ही नहीं करेगा। हाँ ये करर वगैरह जी जी ठीक है ठीक। लेकिन इसको चाहिए कि ये चीज हम डायरेक्ट वैलिडेशन में डाल दें सो प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके क्योंकि वैलिडेशन नेम लिस्ट लेता है और नेम लिस्ट भी लिमिटेड होते हैं सर। ओके ठीक ठीक है। और एरे फॉर्मेट अगर आपने नेम लिस्ट में एरे डाल दिया हुआ है तो भी नेम लिस्ट तो वर्क करेगा बट तो आपका डेटा वैलिडेशन वर्क नहीं करेगा। अच्छा ओके ठीक है ठीक है। ये थी हमारी डेटा वैलिडेशंस जिसको बारे में हमने बताया। उसके बाद छोटी मोटी फॉर्मूले जानने की आपकी जरूरत नहीं है। रिव्यू में भी आपको उतना खास है नहीं, जो चीजें थी मैंने प्रोटेक्शन में बता चुका हूँ, बाकी तो कमेंट वगैरह और सर आपको डिस्कस कर रहा हूं। एक फोरकास्ट क्या करते हैं फोरकास्ट सर? फोरकास्ट मुझे लगता है आप लोगों की जरूरत पड़ेगी, सेल्स वगैरह टीम की जरूरत पड़ती है सर। जैसे मैं बता देता हूँ छोटा सा और यहाँ पे सेल्स प्रिडिक्शन करता है कि कितना सेल होना होगा। 6 महीने का आपने प्रिडिक्शन निकाल दिया ना सर कि ये सेल है। यहाँ पे आप फोरकास्ट यूज कर सकते हैं। देखिए इसने एक चार्ट बना दिया फोरकास्ट का, यहां तक आपका सेल है, इसने बताया कि हाईएस्ट आपका सेल इतना जाएगा, लोएस्ट आपका इतना जाएगा, एवरेज इतना रहेगा। अच्छा ओके ठीक है ना। एंड 8 महीने का बनाया इसने, इसे 2 दिखाया, आप यहाँ पे 10 कर दीजिएगा,
दस महीने का दिखा देगा प्रेडिक्शन। ओके ओके ठीक 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 है ओके ठीक है। डेटा कवरेज निकाल के जो सुजीत जी जो रिव्यू वाला जो टैब है एक बार आप उसमें आएंगे, मुझे उसमें एक एक जरूरत है बस। जब हम प्रोटेक्ट शीट करते हैं मैं चाहता हूं कि इसमें शीट प्रोटेक्ट रहे लेकिन उसमें फिल्टर अप्लाई हो सके। हाँ तो उसके लिए जब और ये शीट को प्रोटेक्ट और सॉर्टिंग अप्लाई हो सके। जब शीट प्रोटेक्ट करते थे अलाउंस होता है इसमें या नीचे। हाँ, ये तो मैंने करके देखा है लेकिन या तो आप मुझे एग्जांपल से बताइए क्योंकि मैंने एक शीट प्रोटेक्ट की हुई है उसमें मेरे को जब मेरे जिनको मैं शीट भेजता हूँ वो उसमें से सॉर्ट करके कुछ लगाना चाहते हैं तो वो सॉर्ट नहीं हो पाती सी या फिल्टर नहीं हो पाती। राइट, यहाँ पे चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे भी एक समझने वाली बात है। आपने लगाया और आपने बोला कि सॉर्ट और आपने बोला यूज ऑटो फिल्टर, ओके कर दिया। अब यहाँ पे पहली चीज है कि यहाँ हम फिल्टर अप्लाई नहीं कर पा रहे बट शॉर्ट करेंगे हम इसको सिलेक्ट करके। जैसे मान लीजिए कि मैं मंथ वाइज लिया और शॉर्ट एंड डिजिट कर दिया। इसमें ये होता है कि आपको पहले फिल्टर या शॉर्ट अप्लाई कर देना होता है उसके बाद प्रोटेक्शन करना होता है। जैसे मैंने फिल्टर यहाँ अप्लाई कर दिया उसके बाद अगर मैं यहाँ प्रोटेक्ट शीट पे आता हूँ और यह शॉर्ट और फिल्टर अप्लाई कर दिया तो अब क्या है कि मैं फिल्टर यूज कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश यूज कर लिया। पहली चीज समझ गया। दूसरी चीज, अब मैं शॉर्ट की बात करूं तो यहां हम शॉर्ट ए टू जेड कर रहे हैं तो शॉर्ट नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए भी कॉज है कि आप पहले शॉर्ट अप्लाई कर ले उसके बाद प्रोटेक्शंस में जाए शॉर्ट एंड यूज फिल्टर हमने ओके कर दिया। अब जो है मैं यहां इसमें मेरे भी साथ इशू आ रहा था यही मैं इसको रिजॉल्व नहीं कर पाया। मुझे एक शीट ऐसे बना के देनी थी लेकिन वो फिल्टर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना सर आपका। हाँ फिल्टर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बहुत ऐसे हो तो जाता है लेकिन क्या दिक्कत हो रही है इसमें। मैं इसमें देखता हूँ सर शॉर्ट हो जाता था सर मैं 2003 में बहुत करता। एक बार देख लीजिएगा कोई हो सकता है कोई मिस कर रहा है उससे होता है। 2003 में तो हम यूज करते थे सर। 2003 में इसका बहुत अच्छा खासा यूज होता था। अच्छा एक चीज और मैं कहना चाह रहा था जो अभी इसी शीट पे हो रहा है देखिए हो रहा है ये देखिए जी। हेलो इसमें है कि आप कस्टम शॉट नहीं कर सकते। नहीं अभी प्रोटेक्टेड नहीं है शायद सी प्रोटेक्टेड नहीं था। ओके तो काम कैसे हो गया मैं इसमें एक बार देखता हूँ सर। इसमें सुजीत जी एक छोटा सा एक इश्यू जो जानना चाहता था जैसे एमआरपी पे नीचे आपने ये एरो किया हुआ है बेसिकली ये आ जाता है ऑटोमेटिकली ठीक है तो ये एरो डाउन एरो और ये येलो एरो जो आ रहा है ये इस बेसिस पे आता होगा कि इसका एवरेज क्या है शायद जो क्वांटिटी वाली नहीं नहीं इसकी परसेंटाइल लगता है नहीं समझे। इसको सिलेक्ट करके आप चेंज कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट करें हां ये चेंज करना चाहता हूं। हां मैनेज रूल्स में जाए देखिए मैनेज रूल्स में गए ना सर। हां डबल क्लिक हां तो ये जो यूज हो रहा है ये जो कर रहा है ये हो रहा है परसेंटाइल फार्मूले की बिहाफ पे हो रहा है। सारे डेटा को उसका परसेंटेज निकालता है कंट्रीब्यूशन परसेंटेज निकालता है और उसको तीन कैटेगरी में बांटा हुआ है। आपके पास अपना नंबर है तो यहाँ नंबर सेलेक्ट करें और अपना नंबर डालें जो डालना है। अच्छा हाँ यहाँ मैंने बोला कि भाई
जैसे ही 40 करेंगे वहां पे वो चेंज हो जाएगा। तो